महाराष्ट्र बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण विभाग मजदूर कल्याण मंडल द्वारा आयोजित मजदूर पंजीकरण एवं किचन किट वितरण शिविर में बड़ी मात्रा में भीड़ निर्माण होने से एक महिला की मृत्यु हो गई है, जिसके चलते जनता ने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं गृह मंत्री से उचित व्यवस्था की गुहार लगाई है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एवं महाराष्ट्र बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण विभाग मजदूर कल्याण मंडल द्वारा आयोजित मजदूर पंजीकरण एवं किचन किट वितरण शिविर का आयोजन नागपुर स्थित सुरेश भट्ट सभागृह में दिनांक 8 मार्च से 11 मार्च तक किया गया है, जिसका समय 10 बजे से 4 तक किया गया है। लेकिन जनता कल रात से ही या ताता लगाए हुए बैठे है, तो कुछ लोग रात से ही इस परिसर में मौजूद है। जहाँ देखा जाए तो किसी भी प्रकार का अनुशासन यहाँ निर्मित नहीं था, न ही पुलिस यंत्रणा द्वारा सक्षम व्यवस्था की गई थी। ऐसा आरोप लगते हुए उपस्थित जनता ने आशीर्वाद नगर के मृतक मनु राजपूत की मौत का जिम्मेदार आयोजनकर्ता को बनाया है। उनका कहना है कि भीड़ तो भीड़, लेकिन पानी पीने की व्यवस्था भी यहाँ नहीं की गई थी, तो वही बढ़ती भीड़ ने एक महिला की जान दे दी। मृतक मनु के शव को शव विच्छेदन के लिए मेडिकल ले जाया गया है, तो कुछ महिला गंभीर घायल हुई है। इस समय कुछ महिला एवं उपस्थित युवाओं ने आक्रोश व्यक्त किया। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किचन किट का वाटप जो है सुरेश भट्ट सभागृह के पास किया जा रहा है, जहां की एक बड़ी दुखद खबर सामने आई है। मनु राजपूत नामक एक आशीर्वाद नगर की महिला का जो है भीड़ के बीच उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरा हवाला जानते हैं। क्या हुआ था, किस प्रकार का हाल था, क्या परिस्थिति? चार बजे से आके बैठे हैं, फिर भी हमारा कुछ भी नंबर नहीं लगा, कुछ यहाँ पे मारा पीटी भी हुई, मेरे पास वीडियो भी है पूरा, और यहाँ पे पूरा गेट लगा था वो भी तोड़ डाले पूरे पब्लिक ने, और अंदर पुलिस सब देख रही है, लेकिन कुछ भी प्रोटेक्शन दिए नहीं पुलिस ने, कुछ भी नहीं। एक औरत है, उसकी जान चली गई बेचारी, उसके पैर टूट गया। एक लड़की की एक मोमेडियन लड़की है, उसकी भी उसका पैर टूट गया, उसका वाला हड्डी टूट गई उसकी, फिर भी कोई प्रोटेक्शन दे नहीं रहे। अपने घर वालों को बुलाओ ऐसे बोल रहे पुलिस वाले, लेकिन वो लोग एम्बुलेंस बुला के नहीं लेके जा रहे उन लोगों को। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, क्या मतलब? अरे सर, यहाँ पे कितने लोगों की जान गई है, इन लोग यहाँ पे इतना प्रोटेक्शन है, लेकिन पुलिस वाले है यहाँ पे, एक हमको प्रोटेक्शन नहीं मिली हमको। अरे तुम हर साल तुम जोन वाइज करे, तुम इस बात में जोन वाइज क्यों नहीं करे? तुम तो कर सकते थे ना, इतने पुलिस वाले के झगमाई करने के लिए पुलिस वाले इतने गार्ड लगा कर रखे। अरे लेडीज की लाइन लगी है, जॉइंट की लगी, हम सुबह से आ रहे हैं, हम लोग सुबह से नहीं है यार, कुछ हमारे लिए प्रोटेक्शन नहीं मिली, कुछ नहीं मिली, पैसा क्यों मिल रहा उनको? अरे अप्लाई करना चाहिए, दोनों पैर मेरे टूटे रहे के बाद पूरे के पूरे पब्लिक सर रहे हैं कि नहीं, कि जानकार बहुत मन जाते काम कर रहे हैं, कर्मचारी कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी मेरे पैर टूटे प्यारे गिर जिंदगी के बाद कुछ नहीं, ये लोगों को जान चली जाए के लिए। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किचन किट वाटप शिविर का जो आयोजन यहाँ किया गया था, वहाँ की जो है एक महिला की मृत्यु के बाद जो है पूरी तरह से जो है परिस्थिति आक्रोशमय हो चुकी है। जनता निरंतर नारे दे रही है, साथ ही साथ आक्रोश व्यक्त कर रही है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो है आयोजनकर्ताओं ने नहीं की, साथ ही साथ पुलिस यंत्रणा पर भी जो है सवाल यहाँ उपस्थित किया है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, काफी मात्रा में जो है भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है, आक्रोश में जनता चिल्ला रही है, पुलिस भी अभी तैनात है, लेकिन परिस्थिति उस प्रकार की थी तब की है, अच्छी प्रकार से जो है व्यवस्था नहीं की गई थी, इतना बड़ा जो है शिविर यहाँ लिया गया, लेकिन परिस्थिति जो है किसी भी प्रकार से जो है नियंत्रण में नहीं थी, जिसके कारण जो है जनता निरंतर सवाल उपस्थित कर रही है। और जो मृतक महिला है, महिला की जो मृत्यु है भीड़ के कारण हुई है ऐसा इनका कहना है, साथ ही साथ स्वास्थ्य समस्याएं भीड़ के कारण उसको उपस्थित हुई थी। जनता की सेवा के उद्देश्य लिए गए इस शिविर ने जनाक्रोश की शक्ल ले ली है। किसी ने इस शिविर को जोन अंतर्गत लेने की दरख्वास्त की, तो वहीं किसी ने इस पूरे शिविर की सुरक्षा एवं व्यवस्था के विषय में प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। इस समय आक्रोश इतना भड़क गया कि जनता ने बैनर फाड़े। तड़पती धूप में यदि यह शिविर हो रहा है जहां भीड़ की तुलना में कोई व्यवस्था नहीं, तो यकीनन है सामान के बदले मौत नहीं लेंगे, ऐसी आक्रोशजनक प्रतिक्रिया मौजूद लोगों ने दी है। अब यह देखना काफी रोचक रहेगा कि यह मामला आगे क्या शक्ल लेता है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।